एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अजित पवार की उम्र का मुद्दा उठाकर उनके बागी गुट पर जोरदार हमला बोला है। पवार ने सीधे तौर पर किसी नेता का जिक्र ना करते हुए अपने भतीजे की तीखी आलोचना की है। शरद पवार ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, आपने मुझमें ऐसा क्या देखा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक रोहित पवार के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। शरद पवार ने कहा कि युवा पीढ़ी की मदद से यहां कई लोग हार गए। मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर आप सत्ता के पक्ष में जाना चाहते हैं तो बेशक जाएं, लेकिन कम से कम उन लोगों के प्रति थोड़ी मानवता रखने का प्रयास करें जिनसे आपने जीवन में कुछ सीख लिया है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उन्हें सही सबक सिखाएंगे। पवार ने कहा कि मेरी शिकायत ये है कि पिछले चुनाव में उन्होंने लोगों की मदद ली थी, जनता ने बीजेपी को चुनाव और हराया, वो बीजेपी को हराकर सत्ता में आए और आज बीजेपी की दावेदारी पर बैठने की स्थिति में है। वो आज ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कल जब लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा तो कौन सा बटन दबाना है और कहाँ भेजना है इसका फैसला मतदाता लेंगे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।